कर लो। सर आज काले कपड़े में है क्या? किस तरीके का प्रदर्शन है आज? ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि डेमोक्रेसी को बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र नहीं चाहते और बोलने की आज़ादी भी नहीं दे रहे हैं, और जो लोग सत्य बोलते हैं उनको जेल में डालने की पूरी उनकी कोशिश है। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग है उस मांग को वो नहीं मान रहे हैं, और हम ये चाहते हैं सत्य बाहर आ जाओ। और अदानी ने जो इतने पैसे केवल 2.5 साल में अगर उसकी संपत्ति बढ़ी है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? और अगर ऐसा कोई उनके पास जादू है 2.5 साल में 12 लाख करोड़ रुपए बना सकते हैं, हम भी देश के लोगों को बताएंगे, देखो भाई 2.5 साल में 12 लाख करोड़ मोदी जी ने उनको मुनाफा कर दिया, वो रास्ते तुम भी अपनाओ, ऐसा उनको कहेंगे। अगर उसी लिए हम उसकी सत्यता जानते हैं, वो क्या जादू है इतना पैसा बनाने का, लोगों को मालूम होगा अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ कहाँ से लाए, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, ये सब बाहर आ जाएगा। सर सत्याग्रह जो आपने कल किया था उसको पर्सनल और फेक सत्याग्रह कह रहे हैं बीजेपी? नहीं, तो बीजेपी हमेशा यही करती है, पर्सनल और फेक क्या है, पर्सनल क्या है? अरे जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन के मुद्दे हैं, जो लोग पैसे LIC में डाले हैं, बैंक में डाले हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं, तो ये पर्सनल होता है? पर्सनल कोई हमारी संपत्ति की झगड़ा है? लोगों के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, और देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए पर्सनल का सवाल ही नहीं आता, जनता के लिए। चलिए, टीएमसी भी आने वाली है, क्या लगता है राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई से विपक्षी एकजुटता मजबूत हुई है क्या? सर ऑपोजिशन यूनिटी मजबूत हुई है राहुल जी पर एक्शन से, क्योंकि टीएमसी भी आज आ रही है आप लोगों की मीटिंग में? अब देखिए, मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ जो लोग इस एक मुहिम को उन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए मैं कल भी धन्यवाद दिया, आज भी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और जनता के हिफाजत के लिए कोई भी आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं।